बाद बात करते हैं कि वॉच का ऐप कैसे डाउनलोड करना है। देखो क्यूआर कोड पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है, इस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन के स्कैनर से स्कैन करना है। उसके बाद एक लिंक आएगी, उस लिंक पे क्लिक करके वॉच का ऐप डाउनलोड होगा। जो ऐप इस क्यूआर कोड से डाउनलोड होगा ना भैया, उसी ऐप से वॉच कनेक्ट होगी। काफ़ी लोग परेशान होते हैं, यार मेरी तो वॉच कनेक्ट नहीं हो रही, मेरा तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अगर आप गलत ऐप से वॉच कनेक्ट करोगे तो कहाँ से कनेक्ट होगी, नहीं होगी भाई, सही ऐप होना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं मोर वाले ऑप्शन पे। मोर गाइज एक और नई वॉच आ चुकी है, वॉच का मॉडल नंबर होने वाला है i10 Ultra Max, और वॉच की प्राइस होने वाली सिर्फ 600 रुपये। अगर आपका बजट 600 रुपये का है तो आप i10 Ultra Max वाली वॉच ले सकते हैं। 2.19 इंच की इसकी इन्फिनिट डिस्प्ले होती है। वीडियो पूरा देखना, जानकारी आपको इसी वीडियो में पूरी दे दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मार्केट्स में जो भी नई वॉचें लॉन्च होती है उनकी जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिए, जिससे आप अपडेट रहेंगे कौन कौन सी वॉचेज नई आ रही हैं, कौन कौन सी आने वाली हैं। इस वॉच के अंदर आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल, वॉच को ऑपरेट कैसे करना है उसके लिए आपको यूजर मैनुअल दिया जाता है। एक आपको मिलता है चार्जर, एक आपको मिलता है ओसन स्ट्रैप, एक आपको मिलती है वॉच। यूजर मैनुअल में जो बारकोड है अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो वॉच का ऐप आसानी से आप डाउनलोड कर लेंगे, उसी ऐप से वॉच कनेक्ट होगी। बाकी कौन कौन से फीचर है, कैसे यूज करने हैं, वो सब कुछ आपको यूजर मैनुअल में देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप वॉच परचेज करते हैं तो पहले यूजर मैनुअल को ध्यान से पढ़िए। एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, दोनों में वॉच सपोर्ट होने वाली है, ठीक है। इसके बाद मैं फटाफट से आपको वॉच दिखाता हूँ, वॉच के फीचर्स वगैरह क्या क्या हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखेंगे तो जानकारी आपको पूरी इसी वीडियो में मैं दे दूँगा। सबसे पहले मैं वॉच का डस्ट थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, जिससे थोड़ी क्लियरिटी मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये के बजट में आपको ये वाली वॉच मिल जाएगी। अगर आपका 600 का बजट है तो आप ये वाली वॉच ले सकते हैं। एक से बढ़कर एक वॉलपेपर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। टच भी आप देख सकते हैं, मक्खन की तरह टच है, कोई लैगिंग वगैरह बिल्कुल नहीं मिलेगा इसमें। सेंसर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको मैं साइड में दिखाता हूँ, इधर साइड में एक बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका स्पोर्ट्स मोड ऑन हो जाएगा, जिसमें आपको रनिंग है, बाइक राइडिंग है, स्टैंड ट्रेनिंग है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, काफ़ी तरह के आपको स्पोर्ट्स मोड इसमें देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स मोड के बाद आपको बैक करके और दिखाता हूँ और फीचर। मेनू शेल में आपको एक तो ये वाली मिलती है, सेंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। सिर्फ 600 रुपये के बजट में इतने सारे फीचर आपको इसमें मिलने वाले हैं। डबल क्लिक आप क्राउन पे करेंगे तो आपकी मेंस्ट्रल चेंज हो जाएगी। एक मेंस्ट्रल आपको इसमें ये वाली मिलती है, इसमें आपको डायलर मिल रहा है ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए। कॉलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा काम मैं आपको बताता हूँ। नीचे से आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से कॉलिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आप कॉलिंग स्टार्ट यहाँ से नहीं करेंगे, वॉच का ब्लूटूथ ऑन नहीं करेंगे, तो वॉच में कॉलिंग नहीं होगी, वॉच सर्च में नहीं आएगी, सर्च में नहीं आएगी तो कनेक्ट नहीं होगी, कनेक्ट नहीं होगी तो कॉलिंग नहीं होगी। तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ से पहले वॉच का ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। उसके बाद इसमें फ़ोन बुक का ऑप्शन आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। हार्ट रेट का सेंसर भी आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। ब्लड ऑक्सीजन का सेंसर भी वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। फेसबुक जो दिखा रखा है, ये नोटिफिकेशन वाला फीचर है। नोटिफिकेशन कब आएगी, जब वॉच को ऐप से कनेक्ट करेंगे। ऐप से कनेक्ट करने के बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन ऑन करनी पड़ेगी, उसके बाद नोटिफिकेशन आना चालू हो जाती है। SOS का ऑप्शन भी आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। हेल्थ का ऑप्शन भी आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। हेल्थ के बाद ECG वाला ऑप्शन भी आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। ECG के बाद स्पोर्ट्स मोड वाला फीचर, ये वाला बटन जो है ये स्पोर्ट्स मोड वाला बटन है। बाकी आप यहाँ से भी स्पोर्ट्स मोड ऑन कर सकते हैं। व्हाट्सअप जो दिखा रखा है, ये नोटिफिकेशन वाला फीचर है। नोटिफिकेशन कब आएगी, जब वॉच को आप ऐप से कनेक्ट करेंगे। ऐप से कनेक्ट करने के बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, तब नोटिफिकेशन आना चालू हो जाती है। कैमरे वाले ऑप्शन, अब इस वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ये है कैमरा रिमोट का काम करेगा। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार वॉच के अंदर कैमरा है क्या, वॉच के अंदर कैमरा नहीं है, ये कैमरा रिमोट का काम करेगा। कैमरा रिमोट का मतलब है, जैसे TV का रिमोट होता है ना, ऐसे ही आपके फ़ोन के कैमरे का रिमोट बनेगा, जिससे आप अपने फ़ोन के कैमरे की फ़ोटो वॉच के जरिए क्लिक कर सकते हैं। इसका यूज आपको मैं बताता हूँ, जैसे कभी कभार ऐसा नहीं होता हम घूमने जाते हैं और कोई फ़ोटो क्लिक करने वाला नहीं होता, उस कंडीशन में इस फीचर का यूज किया जाता है। इसके बाद आपको ब्लड प्रेशर का सेंसर वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। म्यूजिक भी आप वॉच के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, सॉन्ग्स वगैरह कम ज़्यादा, साउंड वगैरह कम ज़्यादा करनी है, सॉन्ग चेंज करना है, वो आप यहाँ से कर पाएंगे। ट्विटर जो दिखा रखा है, नोटिफिकेशन वाला फीचर है। नोटिफिकेशन कब आती है, जब वॉच को ऐप से कनेक्ट करेंगे। ऐप से कनेक्ट करने के बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, तब नोटिफिकेशन आना चालू हो जाती है। रीसेट का ऑप्शन आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। वेदर का ऑप्शन भी आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। लुकिंग फॉर वाला ऑप्शन भी, अब इसकी बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें ऐसा होता है, जैसे मान लो कि कभी कभार फ़ोन रख के हम भूल जाते हैं ना कि यार फ़ोन कहाँ रख दिया, हमने फ़ोन मिल नहीं रहा। उस कंडीशन में अगर आपकी वॉच फ़ोन से कनेक्ट है तो सिंपल था, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है।
उसके बाद होगा क्या, आपके फ़ोन में वाइब्रेशन या बेल बजने लगेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका फ़ोन कहाँ रखा हुआ है। बेस्ट फीचर है ये वाला भी। स्लिप का ऑप्शन आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। स्लिप के बाद आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन भी आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। अपना हिसाब वगैरह लगाने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर पाएंगे। पब्लिक प्लेस में तो मैं यही बोलूँगा कि कैलकुलेटर का यूज आप वॉच के अंदर ही कीजिए, क्योंकि फ़ोन के अंदर जब हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो फ़ोन चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैलेंडर का ऑप्शन भी आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। कैलेंडर के बाद आपको यहाँ मेनू स्टाइल में आपको टोटल मेनू स्टाइल होने वाली 6 तरह की, कौन कौन सी मेनू स्टाइल है वो मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। 600 रुपये के बजट में ये वाली वॉच होने वाली है। इतने सारे फीचर्स हैं यार 600 रुपये के बजट में। वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, ऑल इंडिया आप डिलीवरी करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको मैसेज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। मैसेज की नोटिफिकेशन भी वॉच के अंदर आने वाली है, वॉच को ऐप से कनेक्ट करने के बाद। उसके बाद आपको नया फीचर है स्टॉप वॉच वाला फीचर। इसका यूज कैसे किया जाता है वो आपको बताता हूँ। इसमें ऐसे होता है कि कभी कभार ऐसे नहीं होता कि हम काम करना चाहते हैं, कोई काम हम करते हैं और उसमें पता करना होता है हमें कि यार कौन सा काम करने में हमें टाइम कितना लग रहा है। मेन चीज़ है टाइम कितना यूज हो रहा है, तो उसके लिए स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना, अपना काम स्टार्ट कर देना, काम कंप्लीट कर लेना। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए फिर इसको रोक देना है। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना कौन सा काम करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। ये वाला भी बेस्ट फीचर है। उसके बाद बात करते हैं कि वॉच का ऐप कैसे डाउनलोड करना है। देखो QR कोड पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। इस QR कोड को अपने फ़ोन के स्कैनर से स्कैन करना है। उसके बाद एक लिंक आएगी, उस लिंक पे क्लिक करके वॉच का ऐप डाउनलोड होगा। जो ऐप इस QR कोड से डाउनलोड होगा ना भैया, उसी ऐप से वॉच कनेक्ट होगी। काफ़ी लोग परेशान होते हैं, यार मेरी तो वॉच कनेक्ट नहीं हो रही, मेरा तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अगर आप गलत ऐप से वॉच कनेक्ट करोगे तो कहाँ से कनेक्ट होगी, नहीं होगी भाई, सही ऐप होना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं मोर वाले ऑप्शन पे। मोर पे आपको अबाउट का ऑप्शन मिल जाता है, सीरी का ऑप्शन मिल जाता है। लैंग्वेज अपने पसंद से कोई सी भी आप लगा सकते हैं। टाइम सेट करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। टाइम के बाद आपको डेट सेट करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। बैकलाइन टाइम, बैक टू डायल, बैड लैम्प, फंक्शन की सेट, मतलब ये वाली की, इस वाली की पे अभी स्पोर्ट्स मोड सेट है ना। बाकी जिस फीचर का आप ज़्यादा यूज करते हैं वो वाला फीचर आप अपने पसंद से लगा लेना, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड का ऑप्शन एक नया दे दिया है इसमें, अगर बोर हो रहे हो। मतलब पासवर्ड एक तरह से सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, जिससे आपकी वॉच को आपकी परमिशन के बिना कोई छेड़ नहीं पाएगा, क्योंकि पासवर्ड डालना पड़ेगा और पासवर्ड सिर्फ आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और फीचर के। गेम वाला ऑप्शन भी है इसमें, गेम खेल के भी आप इसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ कभी आप बोर हो रहे हो तो गेम खेल के भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सिर्फ 600 रुपये के बजट में इतने सारे फीचर आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं और क्या फीचर्स हैं। देखो सबसे पहले डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ और कौन कौन सी मेनू स्टाइल रह रही है। देखो एक मेनू स्टाइल आपको ये वाली मिल जाती है, डबल क्लिक आपका एक साथ होगा, मेनू स्टाइल आपकी चेंज हो जाएगी। ऑल इंडिया हमारी डिलीवरी जाती है, कैश ऑन डिलीवरी भी आपको हमारे पास मिल जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी में सिर्फ आपको कोरियर चार्ज पहले देना है। कोरियर चार्ज देने के बाद आपको अपने पार्सल की ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, जिससे आप अपना पार्सल ट्रैक कर पाएंगे। उसके बाद डिलीवरी टाइम होता है 3 to 6 वर्किंग डेज, आपकी लोकेशन के हिसाब से डिलीवरी टाइम होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 2 दिन में भी पार्सल पहुँच जाता है, वो आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। वीडियो के नीचे आपको मैं व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा, जिससे आप पूरी डिटेल आप ले सकते हैं, ऑर्डर कैसे करना है, एड्रेस कैसे भेजना है, सब कुछ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ एक नई वॉच के अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे मार्केट में फिर से कोई नई वॉच लॉन्च होगी ना उसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूँगा।